ये गीजर सिर्फ 10 सेकंड में पानी को गर्म कर देता है और इसमें बहुत सारे स्मार्ट सेंसर्स भी है, सेफ्टी फीचर्स भी है। और मजे की बात यह है कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक गीजर्स में 10-15 लीटर पानी गर्म होता है और बहुत ही जल्दी खत्म भी हो जाता है, लेकिन इसके अंदर तो कोई भी वाटर स्टोरेज का टैंक ही नहीं है, फिर भी ये कंटिन्यूअस गर्म पानी देता है। यकीन नहीं हो रहा ना दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बजाज के इस गीजर के बारे में सब कुछ पता चलने वाला है, तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये रहा अपने गैस वाटर हीटर का बॉक्स, और खोल के देख लेते हैं अंदर क्या क्या हमें मिलता है। तो यहाँ पर बॉक्स पे लिखा है बजाज मैजेस्टी ड्यूएटो गैस वाटर हीटर, और यहाँ पर 2 साल की वारंटी है। आपने LPG तो सुना होगा, पर ये PNG क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पर बॉक्स पे देख लेते हैं और क्या क्या लिखा है। प्राइस लिखी है 10,210, मगर इतना महंगा नहीं है ये, आपको 6,000 के आसपास ऑनलाइन मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसके बारे में सब कुछ चेक कर सकते हैं। और दूसरी साइड में इसके जो फीचर्स है, सेंसर, सेफ्टी फीचर्स वगैरह के बारे में लिखा है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा। चलो बॉक्स ओपन कर लेते हैं अब। और यहाँ पर बॉक्स ओपन हो गया है, अंदर हमारा गीज़र पड़ा है और ये साइड में से निकले। यहाँ पर यूज़र मैनुअल है, वारंटी कार्ड है 2 साल की वारंटी वाला, और यहाँ पर स्क्रू वगैरह दिया है इसको माउंट करने के लिए। और इसको पूरी तरह से निकाल लेते हैं, और ये भैया ने एकदम बढ़िया से अनबॉक्सिंग करी और बढ़िया से अब इसको इंस्टॉल भी करेंगे, हम देखेंगे कैसे इंस्टॉल होता है। पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये जो गैस गीज़र है 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, LPG और PNG। LPG का मतलब आपको पता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि होता है हमारे घर पे गैस सिलेंडर को हम बोलते हैं, जो कि ज़्यादातर सभी सिटीज़ में इंडिया में वही चलता है। मगर PNG होता है पाइप्ड नेचुरल गैस, जिसमें आपके घर पे ऐसे पाइप के थ्रू गैस सप्लाई होती है। ये देखिए ऑन हो गया गैस, और जितनी चाहे आप गैस यूज़ करो, उसका बिल जनरेट होता है इस मीटर के थ्रू। और यहाँ पर बताऊँ तो LPG से सस्ता है PNG, और सबसे बड़ी बात ये काफ़ी सेफ है, और टंकी को बार बार चेंज करना, देखना, चेक करना खाली हुई नहीं हुई, ये सब का झमेला भी नहीं है इसके अंदर। तो आप लोग भी चेक कर लेना, अगर आपके घर पे LPG की जगह PNG गैस है तो फिर आपको PNG वाला ही ऑर्डर करना है। तो यहाँ पर देखिए PNG का पाइप घर के बाहर भी एक्सटेंड किया हुआ है गैस गीजर के लिए स्पेशली, और ये जो दो है इनलेट आउटलेट सभी बाथरूम में गर्म पानी पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पर गीजर हम लगा लेते हैं, और ये सब जो भी नल और इनलेट आउटलेट के पाइप वगैरह है आपको गीजर के साथ नहीं मिलते, आपको अलग से बाय करने पड़ेंगे। और जो भी इंस्टॉलेशन करेंगे वहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल करना है, स्क्रू लगाना है, और ये गीजर इस तरह से लग जाता है। और बस नीचे आपको इनलेट आउटलेट दे देना है गीजर के अंदर पानी का। यहाँ पे देखिए ये फिटिंग कर रहे हैं एकदम बढ़िया से प्रोफेशनली। तो गीजर तो फिट हो गया है, और अब जो है गैस कनेक्शन भी इसमें कर देंगे हम लोग। और लास्ट में सिर्फ एक चीज बची है, जो कि ये डी सेल्स इनको बोलते हैं। तो ये जो बैटरी से 30-40 रुपए की एक आती है, और बड़ी वाली ऐसी 2 बैटरी यहाँ पर बैटरी जो बॉक्स है इसमें लगेगी, मैंने लगा दी है यहाँ पर देखिए। और इसको बंद कर देते हैं, और यहाँ पर सबसे पहला जो पाइप है कनेक्टेड, ये है वाटर इनपुट का, जो कि ऊपर से बिल्डिंग की टंकी से पानी यहाँ पर आता है और गीज़र के अंदर इसके मदद से पानी जाता है। और यहाँ पर वाल्व भी लगाया हुआ है कि इसको बंद करना हो तो कर सकते हैं। और जो दूसरा पाइप है वो है वाटर आउटपुट का, जिसमें से गर्म पानी निकलता है, और जो गर्म पानी का पाइप है पूरे घर में सभी बाथरूम तक पहुँचा देता है गर्म पानी। तो आपको अलग अलग गीज़र नहीं लगाने पड़ते अलग अलग बाथरूम के लिए, आप एक गीज़र से पूरे घर में गर्म पानी ले जा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। ये ऑन ऑफ का बटन है यहाँ पर इसको ऑन करने के लिए, और एक इधर लाइट आती है रेड कलर की जब इसमें जो इग्निशन होता है तब। और ये कुछ बटन्स हैं जिनका क्या यूज़ है मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो ये जो गीज़र है अपने आप ऑन और ऑफ होता है, एकदम ऑटोमेटिक है, इसमें कुछ सेंसर लगे हुए, उसकी मदद से अब कैसे होता है ये तो अभी आपको पता चलेगा, मगर पहले बटन्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये पहला जो बटन आपको दिख रहा है ये है वाटर फ्लो का, तो इससे जो है आप वाटर का फ्लो एडजस्ट कर सकते हो, कितना आपको प्रेशर चाहिए पानी का, कितना, जिसको मैक्स पे ही रखना सही रहता है। और ये जो है विंटर और समर का ऑप्शन है, समर वाले में 2 बर्नर ऑन होते हैं और विंटर वाले में 4 बर्नर ऑन हो जाते हैं, जिससे कि जो एकदम ठंडा पानी होता है वो फटाफट गर्म हो जाता है। और ये है गैस का फ्लो, जिसको मैं मीडियम पे ही रखता हूँ, तो इसको मीडियम पे रखने से जो है गैस की भी बचत होती है, और यहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है आपको गर्म पानी की टेम्परेचर की उतना ही आपको रखना चाहिए, क्योंकि सूरत में इतनी ज़्यादा भी मतलब आपको तेज ठंड नहीं पड़ती है, तो आपको मैक्स रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप नॉर्थ साइड में हो, जैसे राजस्थान वगैरह में बहुत बार होता है कि पाइप के अंदर बर्फ़ जम जाता है पानी के पाइपों के अंदर, तो वहाँ पर आपको एकदम तेज रखना पड़ेगा, जिससे आपको एकदम ही फटाफट गर्म पानी मिले। पर मेरे केस में तो मीडियम में भी बहुत ज़्यादा ही गर्म पानी आता है, उसको भी मिक्स करना पड़ता है शावर मिक्सर से। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है, यहाँ पर देखिए हॉट और कोल्ड दोनों है, तो जैसे ही मैं नल को ऑन करता हूँ गीज़र के अंदर बर्नर ऑन हो जाता है अपने आप,
और यहाँ पर मैं 10 सेकंड जो बोला है उससे भी कम टाइम लगता है। देखिए गर्म पानी आना स्टार्ट हो गया है, बस थोड़े सेकंड्स के बाद जो है टेम्परेचर पानी का बढ़ जाता है जैसे जैसे बर्नर गर्म होता है उस हिसाब से, मगर गर्म पानी एकदम ही इंस्टेंटली इसमें आता है, एकदम ही शुरू हो जाता है। तो अब मैं इस नल को ऑन ही रख देता हूँ और वाल्व की मदद से मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप नल को ऑन ऑफ करते हो तो बर्नर अपने आप इग्नाइट होता है, मतलब कैसे लाइटर जलता है उसमें और अपने आप आग लगती है और बार बार बंद होती है। तो जैसे ही आप लोग बाथरूम में नल ऑन करते हो, जैसे मैं यहाँ पर वाल्व ऑन करके दिखाता हूँ, तो वाटर का फ्लो जो है इसका सेंसर डिटेक्ट करता है गीजर का और अपने आप जो है गैस वो ऑन करता है और लाइटर ऑन करता है और गैस जो है अपने आप ऑन हो जाता है, इसके अंदर आग लग जाती है। और जैसे ही आप नल बंद करते हो वाटर का फ्लो बंद हो जाता है और अपने आप गैस बंद हो जाती है। तो कुछ इस तरह से ये ऑटोमेटिक काम होता और है। और कभी भी गैस गीजर को बाथरूम के अंदर इंस्टॉल नहीं करें, इसको जब भी आप घर वगैरह बनवाओ या घर में गैस गीजर लगवाना है तो घर के बाहर से इसकी प्लम्बिंग करवाए घर के अंदर। और यहाँ पर देखिए कोई भी गैसेस वगैरह जो इसके ऊपर से निकलती है, इसके अंदर एक फीचर दिया गया है चिमनी जैसा जिसके ऊपर आप पाइप लगा के उसको बाहर घर के बाहर फ्लो कर सकते हो। यहाँ पर ऑलरेडी ये बाहर लगा हुआ है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई रिस्क भी नहीं है, एकदम सेफ है। मगर एक अच्छा फीचर है इस ब्लैक कलर की जो चिमनी है, इसके ऊपर आप कोई पाइप लगा के बाहर की साइड में जो है गैसेस को डाइवर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर इसको मैंने टेस्ट किया, मेरे घर में तीन बाथरूम है, तीनों बाथरूम में गर्म पानी का पाइप का कनेक्शन है और सभी में एकदम अच्छे से गर्म पानी मिल जाता है इंस्टेंटली। और अगर हम बात करें हॉट वाटर शावर की तो शावर में भी ये एकदम परफेक्टली काम करता है। यहाँ पर एकदम मैंने सब इसको टेस्ट करके देखा है, बहुत दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और फिर ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और जब भी अगर आपके बाथरूम में गर्म पानी यूज़ होता है नल में शावर में वगैरह में, तो आपको बाथरूम में वेंटिलेशन फ़ैन ज़रूर से लगाना चाहिए। और वैसे तो इस गीज़र में काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर है, जैसे इसमें ओवरहीट कट ऑफ प्रोटेक्शन का सेंसर है, 20 मिनट का टाइमर भी है, चाइल्ड लॉक स्विच है, फ्लेम फेलियर प्रोटेक्शन, लो ऑक्सीजन सेंसर वगैरह भी इसके अंदर है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये 0.2 बार से 7.5 बार का प्रेशर इसको चाहिए होता है, यानी कि पानी की टंकी मिनिमम 2 मीटर ऊपर होनी चाहिए और मैक्सिमम 80 मीटर ऊपर, यानी कि 20 माले जितनी बिल्डिंग जितना ऊपर होना चाहिए। और इसको जो है मैं थोड़ा अंदर से भी ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का है, आपके लिए मैंने इसका ऊपर का कवर निकाला है और यहाँ पर इसका कवर है, अंदर काफ़ी सारे सेंसर और कॉपर के पाइप वगैरह आपको दिख रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। मोस्ट ऑफ अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इस गीज़र के बारे में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। मुझे तो ये पर्सनली काफ़ी पसंद आया और अगर आपको भी ये बाय करना है तो इसकी लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों मेरा नाम है तरुण, ये है गैजेट मसाला, जय।